अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे, खैरियत से ही होंगे। और फाइनली आप लोगों के साथ आज मैं अपनी बहन के मुँह मीठे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इस रूम में ना अम्मी का बेड था, मगर ना जेंट्स के बैठने के लिए ये रूम खाली कर लेता ताकि सब लोग आराम से बैठ के खाना वगैरह खा लें। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ वो जोड़ा शेयर कर रही हूँ जो मेरी बहन के ससुराल से आए, जो वो मुंह मीठे में पहनेगी। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके ससुराल वाले आए हैं जोड़ा वगैरह और चीज़ें लेकर, तो वो सब चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से ये सब चीज़ें वो लेकर आए थे और मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, और वो हर चीज़ लेकर आई थी, हर मतलब कि क्लिप वगैरह, चूड़ियाँ और सेट। और ये झुमके वो लेकर आई थी, उनको सेट के साथ के जो इयररिंग्स थे वो थोड़े छोटे लग रहे थे, तो इसीलिए वो ये झुमके लेकर आई थी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी सब चीज़ें। मेरी सिस्टर का जो मुँह मीठा था वो संडे को था, तो तकरीबन फ्राइडे को वो ये सब चीज़ें देखकर चले गई थी, और सैंडल वगैरह पहना कर भी देख के गई थी कि साइज़ वगैरह का कोई इशू तो नहीं है, ताकि एंड टाइम पे कोई परेशानी ना हो। और आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेगा, इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और मैं आप लोगों के साथ बातें भी शेयर करती रहूँगी। और माशाल्लाह से ये देखें मेरी बहन की मेहंदी, इस वाली कोन का रंग इतना डार्क नहीं आया था, तो फिर मेरी बहन ने अपने ऊपर की हाथों की मेहंदी दोबारा से मतलब लगवा ली थी, तो फिर माशाल्लाह से रंग अच्छा डार्क आ गया था। और जी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ वो जोड़ा शेयर कर रही हूँ जो मैं पहनने वाली हूँ। और मुँह मीठा हम लोगों ने घर में ही रखा है, वहाँ से तकरीबन 10 से 11 अफराद आएंगे मुँह मीठा करने के लिए। इसके अलावा हमारी फैमिली है और एक ताया की फैमिली है और दादी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं कर रहे। और जी यहाँ पर बस हम सब लोग रेडी होकर लड़के वालों का वेट कर रहे थे। और ये देखें माशाल्लाह से तस्बीहा को, और हसन भी बस थोड़ी ही देर बाद उठ गए थे। और टाइम इस वक्त तकरीबन 8 बजने वाले हैं, तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा है। और जी तकरीबन 8 बजे के टाइम लड़के वाले आ गए थे और ये रस्म स्टार्ट हो गई है। और ये मेरी माशाल्लाह से सबसे छोटी बहन है, इससे जो बड़ी बहन है उसका भी जो मुंह मीठा होगा इंशाल्लाह रबी अव्वल में, तो उसका व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ रिंग लेकर आई थी, तो वो माशाल्लाह से रिंग पहना रही हैं। और जी मेरी इस बहन की शादी भी इंशाल्लाह जल्दी ही होगी, इसके ससुराल वालों को थोड़ी जल्दी ही है।
तो फिर इंशाल्लाह की शादी भी जल्दी ही होगी, और शादी तो सब नसीब की बात होती है। अभी इस बहन की तो हमारा मतलब कि बिल्कुल भी इरादा नहीं था शादी का, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी थी, और इससे पहले की मतलब पहले भी दो बहनें, तो इरादा तो ये था कि पहले उनकी हो फिर इसकी हो, मगर जहाँ ज़्यादा बहनें होती हैं वहाँ तो ऐसा होता ही है, आगे पीछे ही शादियाँ होती हैं, और बस शादियाँ सबकी अच्छी जगह पर हों, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सब अपने अपने घरों में खुश रहें, और अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। माँ बाप तो अपने बच्चियों के लिए अच्छा ही करते हैं, और माशाल्लाह से ये मेरी दादी हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को वो रिंग शो कर रही हूँ जो उन्होंने पहनाई है, ये देखें, और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। जी बस फिर ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए जेंट्स चले गए थे, तो फिर हम लोगों ने लेडीज़ में खाना खिला दिया था, और खाने में बिरयानी बनवाई थी, और फ्राई गोश और खीर अम्मी ने घर में ही बनाई थी, और बिरयानी बाज़ार से बनवाई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छी बन गई थी। और माशाल्लाह से ये मेरी कज़न का बेटा है, और मेरी कज़न जो है वो मेरी बहन की नंद भी हैं, क्योंकि मेरी एक बहन अपनी ताया के घर में गई हुई है, रूहान की मम्मा। और माशाल्लाह से ये मिठाई और फ्रूट्स वो लोग लेकर आए थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, मिठाई भी और फ्रूट्स भी, और आगे चल के मैं आप लोगों को इसकी अनपैकिंग भी दिखाऊंगी। और फिर बस उन लोगों के जाने के बाद हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, और ये मैं आप लोगों को मिठाई दिखा रही हूँ जो वो लेकर आए हैं, देखिए, और यहाँ पर फ्रूट्स की अनपैकिंग हो रही है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ और व्लॉग्स लाती रहूँगी। और जी बस अब हम लोग सब अपने अपने घर जाएंगे, और घर जाके बस हसन सुकून में आ जाएं, क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा तंग करा है, इतना तंग करा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, और कहीं पर आ जाकर बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं ये वो ही समझ सकती हैं जिनके बच्चे हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।